वोल्ट मीटर है क्या और आप इसे कैसे यूज करते हैं? सर, वोल्ट मीटर है क्या? इसके नाम से ही पता लग रहा है, ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है वोल्ट। वोल्ट का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखिएगा, वोल्ट मीटर हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, पोटेंशियल मेजर नहीं करता है। पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकता, कोई भी इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकता, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करना होता है। तो वोल्ट मीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट, सर्किट के दो पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है वोल्ट मीटर है। अब वोल्ट मीटर कैसे यूज करते हैं, हाउ टू कनेक्ट वोल्ट मीटर? जिस जिन दो पॉइंट्स के बीच आपको सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उन दो पॉइंट्स के पैरेलल आपने लगा देना है अपना वोल्ट मीटर। सपोज ये आपका एक सर्किट है और इस सर्किट में करंट एस्टेब्लिश्ड है, सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक। ये रेजिस्टेंस आर वन है, रेजिस्टेंस आर टू है, रेजिस्टेंस आर थ्री है, रेजिस्टेंस आर फोर है, ठीक है। इसके डिफरेंट पॉइंट्स में बना देता हूँ, ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज बी पॉइंट, दिस पॉइंट इज सी पॉइंट, दिस पॉइंट इज डी पॉइंट। आपको ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो आपने वोल्ट मीटर कनेक्ट करना होगा इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना है। बस यहीं से तार उठाइए, दो इन्हीं दो पॉइंट से दो कनेक्शन उठाइए और लगा दीजिए एक वोल्ट मीटर। तो ये आपका वी ए बी शो करेगा, कौन सा? रेड वाला जो मैंने यहाँ रेड बनाया है, ये वी ए बी शो करेगा। अगर आपको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, आपको चाहिए ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो ए और डी, ए से एक तार उठाइए, वायर कनेक्शन उठाइए, बी से उठाइए और इनके बीच में लगा दीजिए एक वोल्ट मीटर। तो ये जो आपको जो ग्रीन वाला है, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा, किसे मेजर करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए डी और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो यहाँ से आप तार उठाइए, यहाँ से एक तार कनेक्ट कीजिए और एक वोल्ट मीटर यहाँ लगा दीजिए आप। तो ये जो वोल्ट मीटर आपका रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा वाला? जो मैंने ब्लू पेन से बनाया है, ब्लू पेन से बनाया है, ये रिप्रेजेंट करेगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डी एंड बी। अगर आपको पोटेंशियल इस आर फोर के अक्रॉस चाहिए, पोटेंशियल अगर आर फोर के अक्रॉस चाहिए यानी कि बी और सी पॉइंट्स के बीच में चाहिए, तो यहाँ बी से उठाइए एक वायर, कनेक्शन वायर, एक कनेक्शन वायर यहाँ से कनेक्ट कीजिए और इनके बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दीजिए। तो ये जो आपका मैंने जो ब्लैक में बनाया है, ये रिप्रेजेंट करेगा वोल्टेज बिटवीन बी एंड सी। तो जहाँ जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो, उन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में आप उन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको वोल्ट मीटर लगा देना है, पैरेलल में लगा देना है। आर वन के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो आर वन के पैरेलल लगा दीजिए, आर टू के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो आर टू के पैरेलल लगा दीजिए, आर फोर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बी सी का चाहिए तो आप यहाँ बी आर आर फोर के पैरेलल लगा दीजिए, और इसी तरह आर थ्री के का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए आपको ए और बी का, तो आर थ्री के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर डाल दीजिए। जहां आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, जिन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, उन्हीं दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपने वोल्ट मीटर अपना लगा दे रहा है, ठीक है। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे हम वोल्ट मीटर को, इसमें
गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में, ठीक है। गैल्वेनोमीटर है, देखो सपोज मैं आपको ये कहता हूँ कि गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर कॉयल का जो रेजिस्टेंस है जी 500 ओम है, जैसे कि कल हमने एग्जाम्पल में ले लिया था 500 ओम गैल्वेनोमीटर कॉयल का रेजिस्टेंस है, करेक्ट। और ये आईजी कितनी टॉलरेट कर सकता है, ये आईजी टॉलरेट कर सकता है सपोज 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर मैक्सिमम करंट ये टॉलरेट कर सकता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाएगा। आईजी याद रखिएगा हमेशा, ये होती है आपकी कौन सी है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, जिस जिस करंट पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाएगा, इससे ज्यादा करंट भेजती तो कोई ना कोई मैकेनिकल मैकेनिकल डैमेज आ जाएगा आपके गैल्वेनोमीटर में। तो फिर कितना वोल्टेज वो झेल पाएगा, मैक्सिमम कितने वोल्टेज वो टॉलरेट कर पाएगा, आई जी इंटू जी, आई इंटू आर से, आई इंटू आर से आई जी कितनी है 20 × 10⁻³, और ये कितना हो गया 500, कितना बना देखना जी जरा, ये बना आपका 500 10,000 × 10³, मतलब 10 वोल्ट। और अभी भी मैंने 20 मिली एम्पियर ज्यादा लिया हुआ है, माइक्रो एम्पियर्स में होता है, अगर मान लो 500 माइक्रो एम्पियर है तो और भी नीचे आएगा, मतलब क्या हुआ, देखिए दोनों बातें एक ही हैं, आप गैल्वेनोमीटर में 20 मिली एम्पियर करंट भेज दीजिए तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाएगा, या गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दीजिए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाएगा। सीधी सीधी बात है, ये गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर में आईजी 20 मिली एम्पियर करंट कब फ्लो कर रखी होगी, कब फ्लो कर रखी होगी, जब आपने इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज लगाया होगा, 10 वोल्ट लगाया होगा, क्योंकि इसका अपना 500 ओम रेजिस्टेंस है, 500 ओम इसका अपना रेजिस्टेंस है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन हमारा कब आने वाला है इस गैल्वेनोमीटर में, जब हम 20 मिली एम्पियर की करंट पास कर दें या गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस 10 वोल्ट लगा दें, दोनों ही बातें हैं। जब आपने 20 मिली एम्पियर की करंट इस गैल्वेनोमीटर में सेट कर दी, तब इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस टाइम, उस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस होगा 10 वोल्ट। इसका उल्टा भी आप समझ लीजिए कि जब आपने गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट पास हो रही होगी, 20 मिली एम्पियर की करंट गैल्वेनोमीटर में पास हो रही होगी। क्लियर हो इतनी बात, फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाएगा, या चाहे दोनों में से एक काम कर दीजिए, गैल्वेनोमीटर में 20 मिली एम्पियर की करंट भेज दीजिए या इस गैल्वेनोमीटर को 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे दीजिए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाएगा। अब 20 मिली एम्पियर से ऊपर की करंट अगर भेजनी है फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, तो हमने इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा एमीटर में और पैरेलल में शंट लगाना पड़ेगा, और 10 वोल्ट से ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस लेना आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर, तो अब हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करते हैं वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, वोल्ट मीटर में गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए इसके सीरीज में लगा दिया जाता है एक हाई रेजिस्टेंस आर, जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग रेजिस्टेंस, लिमिटिंग रेजिस्टेंस, और इसको पूरे को क्या कर दिया आपने, पूरे को बंद कर दिया, तो ये बन गया आपका वोल्ट मीटर, बन गया एक हाई रे। अब कितना हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा ये रेजिस्टेंस आपको इतना लगाना पड़ेगा ताकि इसमें करंट आईजी ही फ्लो हो पाए मैक्सिमम, 10 वोल्ट के बजाय आप 100 वोल्ट नापना चाहते हो, तो आपने सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दो इतना कि 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देने पर भी इसमें मैक्सिमम करंट कितनी पास हो, आईजी करंट ही पास हो इसमें, ठीक है। कैलकुलेशन पूरी कर लेते हैं इसकी, आईजी कितनी है, मैक्सिमम करंट
दैट गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन, जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, वी वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, टू बी मेजर्ड, जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करने हैं, इस पे आपको 100 वोल्ट मेजर करने हैं तो वी की वैल्यू 100 लिखी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जो आपको मेजर करना है, वी, और करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई जी। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, क्योंकि दोनों सीरीज में है, जी प्लस आर, तो सीधी सीधी सी बात है वी इज इक्वल्स टू कितना बनेगा आपका, आई जी इंटू जी प्लस आर, पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल्स करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना कि कितना रेजिस्टेंस लगाया जाए सीरीज में, तो वी बाय आई जी इज इक्वल्स टू जी प्लस आर, और यहाँ से आर कितना निकलेगा आपका, सिंपल सी बात है आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, वी बाय आई जी माइनस जी ओम। अब जैसे इसी वोल्ट मीटर को आपने बनाना है 100 वोल्ट तक का मेजर करने के लिए बनाना है, तो कितना रेजिस्टेंस लगाएंगे, 100, आई जी हमने कितनी लेके चल रहे हैं 20 मिली एम्पियर, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 500 ओम, तो आर इक्वल्स 100 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस 500, आर इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 20 पंजे 100 और ऊपर गए 5000 माइनस 500, कितना बना आर की वैल्यू, आर की बन गई 4500 ओम। 4500 ओम अगर आप इसके सीरीज में लगा देते हैं तो 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर भी, पोटेंशियल डिफरेंस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट लगाने पर भी क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन फुल जाएगा। अब बात आ गई कैलिब्रेशन की, एक्चुअल में तो गैल्वेनोमीटर करंट शो करता है, करंट शो करता है, देखो ध्यान से, एक्चुअली गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन शो करता है, जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है, इट ऑलवेज शोज करंट, क्योंकि करंट, क्योंकि आप पीछे जानते हैं कि वो क्या था, देखना जरा ध्यान से, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आ रहा था हमारा, जो गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ा था, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आ रहा था, लेकिन करंट क्या है, करंट क्या है, वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज भी तो हो सकता है, ठीक, अगर एक बार आपने आर कांस्टेंट कर दिया, आर कांस्टेंट का मतलब गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, और इसके सीरीज में जो लगाया है वो भी नहीं बदल रहे, वो भी कांस्टेंट है, तो फिर थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आ जाएगा। अब क्या करा आपने, अब वही बेईमानी कर ली थोड़ी सी, उससे क्या फर्क पड़ता है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा, कि वोल्ट मीटर ये गैल्वेनोमीटर था, ये आपने सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, कितना लगाया 4500 ओम, मैं ये 4500 ओम हमेशा मत समझ लेना, फिलहाल तो हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, जिस एग्जाम्पल में गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस 500 ओम है और मैक्सिमम टॉलरेबल करंट या फुल स्केल डिफ्लेक्शन की करंट है 20 मिली एम्पियर, ये जी अलग अलग होता है हर गैल्वेनोमीटर का, ये 20 मिली एम्पियर फुल स्केल डिफ्लेक्शन की करंट डिफरेंट होती है हर गैल्वेनोमीटर के लिए, तो इसके लिए आपने ये डाल दिया, जी आपका 400 है, तो आपने अब क्या करा, अब आपने इस पूरे को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, बॉक्स के अंदर लगा हुआ है सीरीज रेजिस्टेंस, बाहर से नहीं दिखाई दे रहा, यूज करने वाले को नहीं पता कि सीरीज में आपने रेजिस्टेंस डाल के बेईमानी कर रखी, तो क्या हुआ कि अब 100 वोल्ट आपने यहाँ अप्लाई करा, तो 100 वोल्ट अप्लाई करने पर इसमें करंट कितनी जाएगी, इसमें करंट आई जी कितनी जाएगी, इसमें करंट जाएगी 20 मिली एम्पियर। अब ये डिफ्लेक्शन जो शो कर रहा है, यहाँ आपका जीरो था, 20 मिली एम्पियर इसने फ्लो करा है इसमें, तो इसे इसे बेचारे को क्या पता, इसे तो ये पता है कि मेरे अंदर 20 मिली एम्पियर की करंट आ रही, फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ गया, लेकिन वो 20 मिली एम्पियर की करंट आई कहाँ से है, जब आई, जब आपने 100 वोल्ट अप्लाई कर दिए, तो यहाँ आपने 100 वोल्ट लिख दिया, क्या लिख दिया यहाँ, 100 वोल्ट लिख दिया,
कंज्यूमर को क्या पता कि अंदर ये डिफ्लेक्शन एक्चुअल में करंट से आ रहा है, वोल्टेज से नहीं आ रहा। उसे तो मतलब है कि भाई हाँ बढ़िया वाला मीटर दे दो। फिर अगर आपने यहाँ 550 वोल्ट लगाए, भाई जी में 50 वोल्ट लगाए, तो क्या होगा, इस वी वी आधा कर देने पर करंट भी आपकी आधी हो जाएगी, करंट आधी हो जाएगी, डिफ्लेक्शन भी आ जाए हो जाएगा। अगर ये डील यहाँ तक जा रही है तो कोई बात नहीं, यहाँ आपने इसको स्केल पर कैलिब्रेशन कर दिया किसमें, 50 वोल्ट में। तो एक्चुअल डिफ्लेक्शन तो आ रहा है करंट से, लेकिन आपने अपने स्केल पर उससे कैलिब्रेट कर दिया। कैलिब्रेट कर दिया किसमें, कैलिब्रेट कर दिया वोल्टेज में, कैलिब्रेट कर दिया, क्योंकि वोल्टेज आधा कर दोगे तो करंट भी अपने आप आधी हो जाएगी, करंट आधी हो जाएगी भाई, वोल्टेज आधा कर दोगे करंट आधी हो जाएगी, करंट आधी हो जाएगी तो डिफ्लेक्शन भी आधा हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, डिफ्लेक्शन वोल्टेज की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कितना वोल्ट का बनाना है हमें डिपेंड, कितना रेजिस्टेंस डालना है सीरीज में डिपेंड करेगा कि आप कितने वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं। अगर एक वोल्ट मीटर ऐसा है जो 20 mA पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे रहा है, 500 ओम इसका अपना रेजिस्टेंस है, तो इसके सीरीज में 4500 4005 ओम रेजिस्टेंस डालने पर ये 100 वोल्ट लगाएंगे इसके अक्रॉस, तब जाकर के आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन ये देगा 100 वोल्ट लगाने पर। अगर सपोज आपको 1000 वोल्ट तक का बनाना है, तो फिर आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में यहाँ 1000 वोल्ट रखोगे, फिर यहाँ 1000, तो सीधी सीधी बात है यहाँ 50,000 आएगा। 50,000 में से 500 सब्ट्रैक्ट करोगे, 49,500 ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। कब, अगर आप इस वोल्ट मीटर से 100 वोल्ट के बजाय 1000 वोल्ट पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन लाना चाहते हैं। तो ये आपका कंफ्यूजन कि चलो ठीक है, आपने ये बात बता दी कि 100 वोल्ट जब आपने यहाँ फ्लो कराया, 100 वोल्ट लगाया इसके अक्रॉस, तो इसमें करंट 20 mA की करंट फ्लो कर गई, और 20 mA की करंट पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ रहा था। तो अब कंफ्यूजन ये है कि अगर 50 वोल्ट लगा दें तो क्या करंट आधी यानी कि 10 mA फ्लो करेगी, बिल्कुल फ्लो करेगी, कैसे निकल, निकाल लो इसे, निकाल लो इसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वोल्टेज आपने कितना लगाया, वोल्टेज आपने लगाया 50 वोल्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस आपका कितना है, रेजिस्टेंस देखो 4500 ओम तो आपने सीरीज में लगाया है, सीरीज रेजिस्टेंस है, और 500 ओम इसका खुद का अपना है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस आपका हो गया आपका 5000 ओम। तो अब आपकी करंट कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल टू V बाय टोटल रेजिस्टेंस, V आपका 50 है, और 5000 कितनी बनेगी, 10 into 10 to the power minus 3, कितनी 10 mA करंट फ्लो होगा इसके अंदर। आप देख लीजिए सारी कैलकुलेशन, आ रहा है या नहीं आ रहा, 50 वोल्ट और 5000,